हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। कहिए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस गर्मी में अगर आपको बाहर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा हो और घर पे ही आप कुछ चटपटा खाना चाहते हैं, तो चलिए बनाते हैं एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल और उसमें मैं डालूँगी बेसन। तो बेसन यहाँ मैंने 2 कटोरी इस्तेमाल किया है, जो कि लगभग 200 ग्राम के बराबर है। फिर मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग, नमक स्वाद के अनुसार। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे बिना पानी के ही। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैंने छोटी वाली गिलास से 1 गिलास पानी पहले डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसको फेंटा, फिर तब तक ये पानी बेसन पानी को अच्छे से सोख लिए थे। तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके और पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पे अब हम चटपटी चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है धनिया, हरा धनिया 1 मुट्ठी। उसके बाद मैंने लिया है 3 से 4 मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और नमक। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसको हम अब पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी खाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, बातों बातों में चटनी पीस के हो गई है रेडी। तो अब हम बनाएंगे एक चटपटा पानी तैयार करेंगे, जिसे पानी पूरी वाले भैया तैयार करते हैं ना, चटपटा पानी, सेम उसी तरह। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल में चटनी को ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर यहाँ पे लिया है इमली। इमली को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। इमली अच्छे से फूल चुकी है और अब हमें इसका जूस चाहिए। तो बस एक छन्नी रखा, उसमें इमली को डाल दिया इस तरीके से। तो जो भी उसका जूस है वो इस बर्तन में आराम से आ जाएगा। और जो भी बीज है उन सबको अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी और डाला है, क्योंकि थोड़े से पल्प उसमें बचे हुए थे, तो जिसको मैंने इस्तेमाल कर लिया है और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस पानी को चटपटेदार बनाने के लिए कुछ और चीज़ें मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है 1 चुटकी हींग, भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी चीनी, चाट मसाला और नमक तो हमने चटनी के साथ जब पीसे थे चटनी उसी टाइम डाल दिए थे। फिर मैंने इसमें डाल दिया है ठंडा पानी। आप चाहें तो लास्ट में इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं इस पानी को ठंडा बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये पानी हो गया है तैयार। इसको हम साइड में रख देंगे। तो लास्ट में एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, कि इस पानी को और मस्त बनाने के लिए डालिए इसमें नींबू। लेकिन अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो नींबू और इमली में से कोई एक ही चीज़ रखें। तो नींबू के जूस को मिला के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा पुदीना का पत्ते को तोड़ के डाल देंगे इसमें। तो बस ये पानी हो गई है तैयार और अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, बेसन भी अच्छे से फूल चुकी है, उसे हम फिर फेंट लेंगे। तो ये देखिए, बैटर थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, तो इसमें हम पानी ऐड किए हैं लगभग 3 से 4 चम्मच के बराबर। तो अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें हवा भर जाए और हमारे पकौड़े बहुत अच्छे बने। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, तो बैटर फिट चुका है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने चढ़ा है कढ़ाई, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें इस तरीके से बेसन के पकौड़े तल लेंगे, छोटे छोटे शेप। आप चाहे तो बड़ा छोटा अपने साइज़ का, मनपसंद साइज़ का रख सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम शेप के पकौड़े तले हैं। तो देख सकते हैं, एक बार मैंने बहुत सारा एक बार में ही तल लिया था। लगभग आधे पकोड़े को मैंने एक बार में ही तल लिया है। तो देखिए, पकोड़े डालने के बाद तुरंत इसे नहीं चलाना है, वरना ये नीचे से चिपक सकते हैं। एक साइड अच्छे से क्रिस्प होने के बाद ही इसे पलटना है। तो 1 चम्मच की मदद से हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। फ्रेंड्स, ये पकोड़े बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट में आराम से तल के हो जाते हैं तैयार। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और
स्पेशली गर्मियों में तो ये रेसिपी आप आराम से बना सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आए या बच्चे कुछ चटपटा खाने की ज़िद करें या आपका ही मन करे कि कुछ चटपटा खाऊं लेकिन बाहर जाने का बिल्कुल मन ना करे, तो आराम से ये रेसिपी बनाइए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करिए। तो ये देखिए पकौड़े को मैंने तल लिया है उलट पलट के अच्छे से, ये बहुत ही क्रिस्प हो गया है। तो इन्हें अब हम एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लेंगे। साइड में मैंने लिया है गुनगुना पानी, ध्यान रहे पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गर्म है, और उसमें मैंने इन पकौड़ों को डाल दिया है। 2 मिनट में ये पकौड़े अच्छे से फूल जाते हैं। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी पे भी में भी इसको पकौड़े को डाल के भिगो सकते हैं, पर मुझे तो यहाँ बहुत जल्दी लगी थी कि कब ये तैयार हो और कब मैं इन्हें खा लूँ, इसलिए मैंने गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया है। तो फ्रिज से मैंने वो जो चटाकेदार पानी तैयार किया था उसको निकाल लिया है और उसमें हम डाल देंगे इन पकौड़ों को। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है फ्रेंड्स, मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। तो इसे मैंने पत्तल के दोने में इस तरीके से सर्व कर लिया है, ऊपर से मैंने प्याज के स्लाइस रख दिए हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।